हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको पैडागोजी स्पेशल की क्लास स्टार्ट करी थी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक KVS रिट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम या MP TET एग्जाम्स में यहां से आपके काफ़ी क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। और लास्ट की वीडियो में कई दोस्तों ने कहा था, कई बच्चों ने कहा था कि सर इनके क्वेश्चंस भी करवाइए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में जो हम दल शिक्षण पढ़ रहे हैं उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कि एग्जाम में आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस इन चैप्टर से पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड में क्वेश्चन जरूर लगा के देखिएगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो DK गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, क्या है आज का हमारा टॉपिक? टीम टीचिंग, जिसे आप हिंदी में दल शिक्षण भी कहते हो। अब ये टीम टीचिंग, ये दल शिक्षण जो है, ये इसकी शुरुआत की कब हुई थी, कहाँ हुई थी और इसका मतलब क्या है, पहले इन बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो काफी बार पूछा चुका है कि दल शिक्षण की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, दल शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 1955 यानी कि 1955 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो एक यूनिवर्सिटी है आपकी अमेरिका यानी कि USA में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर इसकी सबसे पहले बार परीक्षण किया गया था, शुरुआत की गई थी। ओके, तो आपको इतिहास पता चल गया कि सबसे पहली बार टीम टीचिंग यानी कि दल शिक्षण कहाँ शुरुआत की गई थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1955 में। ओके, ये तो पता लग गया कब हुई थी और कहाँ हुई थी, लेकिन ये टीम टीचिंग होती क्या है? तो एक आसान से फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि जब भी आपकी एक कक्षा के अंदर एक से अधिक अध्यापक यानी कि दो या दो से अधिक अध्यापक आपके साथ आए, वो दोनों, और अपने साथ वो कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर आए जो आपको पढ़ाने में और कारगर साबित हो और इंटरेस्ट बना दे आपकी कक्षा में, उसी को क्या कहा जाता है? टीम टीचिंग कहा जाता है। सरल शब्द में समझाने की कोशिश करूं तो एक कक्षा को दो या दो से ज्यादा टीचर एक साथ पढ़ाने आए, जैसे कि एक कक्षा में एक टीचर पढ़ाने आता है, लेकिन दल शिक्षण में क्या होता है, दो या दो से अधिक टीचर एक ही साथ में आते हैं टीचिंग करने के लिए एक क्लासरूम को, एक कक्षा को, उसे को क्या कहा जाता है? टीम टीचिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जो ये टीचर आते हैं वो दोनों एक ही सब्जेक्ट के होंगे या अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे? तो ध्यान रखिएगा, टीम टीचिंग, इसी को ही टीम टीचिंग कहा जाता है कि ये जो टीचर होंगे ना दोनों, वो अपने अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होंगे। मतलब ये दोनों टीचर साइंस के टीचर्स भी हो सकते हैं, ये दोनों टीचर मैथ के टीचर भी हो सकते हैं, ये दोनों टीचर में से एक टीचर साइंस का और एक टीचर मैथ का भी हो सकता है। मतलब दोनों टीचर जरूरी नहीं है कि एक ही विषय के टीचर हो, दोनों विपरीत सब्जेक्ट के भी टीचर हो सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं और संपूरक भी हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और इससे फायदा क्या होगा? तो इससे डायरेक्ट जो फायदे होते हैं, जो लाभ होते हैं, वो बच्चों को होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए एक बार लाभ के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो लिख लीजिए अपना टॉपिक लाभ, यानी कि इसमें प्रॉफिट क्या है बच्चों का। तो देखो, पहला पॉइंट कि सभी अध्यापक अपने विषय में विशेष होते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा अधिगम मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर वो दोनों टीचर एक ही यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत है या एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे के बिल्कुल समान है, कि दोनों साइंस के टीचर होंगे तो दोनों क्या करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों अलग अलग विषय की सब्जेक्ट्स होंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट आपस में कोरिलेटेड होता है, तो दोनों आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और दोनों अध्यापक क्या हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में क्या हैं, एक स्पेशलिस्ट हैं, एक अपने विशेषज्ञ हैं, तो आपको पढ़ाने में जब वो आएंगे तो अपने आप से, अपने अच्छे से, अच्छे प्रकार से वो वर्णन करने की कोशिश करेंगे, जिसका सीधा सीधा लाभ क्या होता है, बच्चों को मिलता है। और जो स्पेशलिस्ट टीचर होंगे यानी कि विशेषज्ञ जो होंगे, अध्यापक जो होंगे, वो अपने साथ जो सामग्री है वो भी अच्छी लाते हैं। मतलब जो आपके अध्यापक हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके मैथ टीचर हैं, तो उनका मैथ जो ज्ञान होगा वो स्पेशलिस्ट मैथ के ही है, तो वो मैथ पर लाने में ये हो जाता है कि जो स्पेशलिस्ट है वो अपने सब्जेक्ट में ब्रॉड है, उसकी जानकारी जो है वो बहुत अच्छी है, तो आपको समझाने के लिए वो अपने साथ कुछ ऐसी शिक्षण सामग्री भी लेकर आएगा कि आपको समझाते हुए, आपको सिखाते हुए सारी की सारी चीजें क्या है, सरल रूप से समझा सके आपको। ओके, इसलिए कह सकता है कि स्पेशलिस्ट टीचर यानी कि विशेषज्ञ अध्यापक जो होते हैं वो अपने विषय में अच्छे तो होते ही हैं,
और साथ ही साथ में उस विषय से रिलेटेड कुछ ऐसे ही विषय वस्तु भी लेके आते हैं, ऐसी शिक्षण सामग्री भी लेके आते हैं जो कि बच्चों को शिक्षा देने में हेल्पफुल हो सके, मदद की जा सके। ओके, तो डायरेक्टली ये लाभ डायरेक्टली बच्चों को मिलते हैं एक अच्छे अध्यापक, एक विशेषज्ञ अध्यापक के द्वारा। ओके, चलिए ये तो होगी दल शिक्षण के बारे में। अब बात कर लेते हैं एकीकृत शिक्षा के बारे में, जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसी का नाम होता है व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक, या फिर इसी को ही व्यक्तिगत अधिगम तकनीक भी कहा जाता है। अब इसका इंग्लिश में नाम क्या है, तो अभी मैंने आपके आगे कुछ नाम लिख रखे हैं, उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक या व्यक्तिगत अधिगम तकनीक जो होती है वो होती क्या है। तो देखो, जब भी बालक जो होगा, मतलब जो पढ़ने वाला शिक्षार्थी होगा, जब भी बालक जो होगा वो अध्यापक की बजाय जो अपना अनुदेशन होगा वो किस चीज़ से ले रहा है, किसी अनुदेशन तकनीक से ले रहा है। अनुदेशन तकनीक का मतलब फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे कि कंप्यूटर के द्वारा, आजकल में आपने देखा होगा ऑनलाइन टेस्टेज हो गए हैं, कैसा हो जाता है, कंप्यूटर से हो जाता है। तो जब भी बालक अध्यापक की बजाय, मतलब अध्यापक को छोड़कर अपने ज्ञान जो ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, कंप्यूटर की मदद से ले रहा है, तो उसी को ही कहा जाता है आपका व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक। मतलब उसने अध्यापक को पीछे छोड़ दिया, वो केवल अपनी जो पढ़ाई कर रहा है, अनुदेशन जो ले रहा है वो कंप्यूटर के माध्यम से ले रहा है, उसी को ही क्या कहा जाता है आपका व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक कहा जाता है। जो कि अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनमें। जैसे कि पहला आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा अपना अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको इंग्लिश में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो मैंने वीडियो के आगे यानी कि आगे आपको लेक्चर में समझा रखा है ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आखिर पूरा का पूरा होता क्या है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। बस ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होता है वो बच्चों के लिए बनाया गया है, वो बच्चे जो अध्यापक से शिक्षा ना ग्रहण करके किसी कंप्यूटर से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को ही प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है, यहीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। ओके, इसी में आ जाता है आपका दूसरा कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसे CAI भी बोला जाता है, और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि CAI की फुल फॉर्म बताइए, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम। और साथ ही साथ में कंप्यूटर एडिट लर्निंग, जिसे CALB कहा जाता है। ओके, तो इनकी फुल फॉर्म CAI और CAL की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा कि होता क्या है, और मतलब होता तो आपको पता है कि कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो कि बच्चों को शिक्षा देने में काम आती है, लेकिन इनकी फुल फॉर्म क्या है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं यहां से। ओके, और साथ ही साथ में एक और फुल फॉर्म है आपकी ICT, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसका सबसे पहले खोज कब की गई थी, किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी फुल फॉर्म है। ओके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की फुल फॉर्म है। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये बनाया किसके द्वारा गया था, तो आपके दो जनक थे इसके, एक था डैनियल डेविस और दूसरे थे स्टॉलर। तो ये दोनों जो व्यक्ति थे, इन दोनों के द्वारा ये आपका ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाया गया था, और कब बनाया गया था, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि ICT की शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। ओके, तो ये थी आपकी कुछ जानकारी व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक की, यानी कि आपकी वो शिक्षा जो बच्चे कंप्यूटर से ग्रहण करते हैं, जिसमें मेन प्रोग्राम आता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिसे आप हिंदी में अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हो। चलिए, इसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए पॉइंट लिख लीजिए अपना, क्या है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे आप इंग्लिश में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हो। आखिर ये होता क्या है, जिसको आपने नाम तो जान लिया कि अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है, पहले इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि अभिक्रमित अनुदेशन जो तकनीक है ना, वो बच्चों की शिक्षा में प्रयोग की गई थी और विश्व की पहली तकनीक थी जो कि आपकी शिक्षा में उपयोग की गई थी। ओके, ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली जो कि शिक्षा के जगत में प्रयोग की गई थी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन, वो बनाया गया था आपके BF स्किनर के द्वारा 1953 में। ओके,
पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, विश्व की पहली तकनीक जो कि शिक्षा जगत में काम आई थी वो कौन सी तकनीक थी? अभिक्रमित अनुदेशन तकनीक, जो कि बीएफ स्किनर ने बनाई थी 1953 में। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कि विश्व की सबसे पहली शिक्षण मशीन का आविष्कार कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1926 में किया गया था, उसका नाम भी अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किया दिया गया था, जो कि किसने बनाया था? वो सिडनी पेरिस के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसका एजुकेशन फील्ड में काम नहीं आया था, ये उस समय पर यूएसए की यानी कि अमेरिका की जो आर्मी थी उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। शिक्षा जगत में जो पहली बार इस्तेमाल की गई थी वो की गई थी 1953 में, जो कि आपके बीएफ स्किनर के द्वारा बनाई गई थी। ओके, दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में बोल रखा हो विश्व की सबसे पहली शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया, तो सिडनी पेरिस ने 1926 में किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली शिक्षण मशीन जो शिक्षा जगत में इस्तेमाल की गई थी वो किसने बनाई थी, तो वो बीएफ स्किनर ने बनाई थी 1953 में। तो ये सिडनी पेरिस वाली मशीन की तो बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था आर्मी के लिए, यूएसए के लिए। ओके, लेकिन जो बीएफ स्किनर ने बनाया था वो शिक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ओके, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो आजकल आपका शिक्षण मशीन है ना, वो कौन सी जगह ले ली है, किसने ले ली है? तो वो ले ली है कंप्यूटर ने। पहले तो आपका अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है? कंप्यूटर ने ले ली है। जैसे कंप्यूटर में सारी चीजें अपलोड कर दी जाती हैं और धीरे धीरे सारी चीजों को याद या फिर पढ़ना होता है, तो वो कैसे कार्य करती है, पूरा का पूरा जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो कैसे कार्य करती है, वहीं से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिए अपने क्या है आज की हमारी कार्यविधि, यानी कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। ओके, तो पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट कि सबसे पहले अध्यापक जो पुस्तक में लिखी गई विषय वस्तु होती है उसको कंप्यूटर में छोटे छोटे पदों में अभिक्रमित कर देता है। मतलब आपकी जो बुक होती है उसी बुक को बिल्कुल एज इट इज आपके कुछ पूरे के पूरे जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के अनुसार सारे चैप्टरों को छोटे छोटे पैराग्राफ में उसमें लिख देता है, टाइप कर देता है, अभिक्रमित कर देता है। फिर प्रत्येक पद के बाद उस पद के प्रश्न भी कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं। मतलब जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके उसमें डाल दिए जाते हैं। फिर सबसे पहले पहला पद खुलता है, बालक को अपना पद याद करना पड़ता है। मतलब जब बच्चे को एज ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सामने लाया जाता है, बिठाया जाता है, तो सबसे पहले पहला पद खुलेगा, मतलब पहला पैराग्राफ खुलेगा, उसका कोई दूसरा पैराग्राफ होगा तो उसके याद करने के बाद दूसरा खुलेगा, दूसरे खुलने के बाद उन दोनों पैराग्राफ से रिलेटेड जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो खुलेंगे, उन क्वेश्चनों के आपको सारे के सारे क्वेश्चनों के सही आंसर देने होंगे। अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के सही आंसर होते हैं तो नेक्स्ट फ्रेम खुलता है, नहीं तो आपको पहले वाला पद दोबारा याद करना होगा, फिर उसके दोबारा आंसर देने होंगे। यानी कि आपके सारे आंसर सही होंगे तब आपको आगे वाले चैप्टर पर ले जाया जाएगा उस कंप्यूटर के द्वारा, नहीं तो आपको बार बार उसी चीज को याद करना होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से पूरी की पूरी शिक्षण विधि कार्य करती है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता कि कार्य कैसे करती है, क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। ये थी आपकी नॉलेज के लिए, मैंने आपको बता दिया कि आखिर ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ओके, तो लिख लीजिए स्किनर की यह तकनीक अपने ही एक अधिगम सिद्धांत पर उन्होंने बनाई है। कौन सा सिद्धांत था? तो वो था अधिगम का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। कई बार पूछ लिया जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर के कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो वो सक्रिय अनुबंधन से संबंधित है। जिसमें इसने क्या बोला था, तो इसने इसमें प्रत्येक में तीन कारक बताए थे। कौन कौन से तीन कारक बताए थे? पहला उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, दूसरा अनुक्रिया यानी कि एक्शन, तीसरा पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। ये तीन कदम बताए गए थे। अब ये तीनों के तीनों कदम क्या हैं, तीनों के तीनों को समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। पहला उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, यानी कि जो आपका कंप्यूटर में फ्रेम खुलता है, जो विषय वस्तु खुलती है, वो क्या है आपके लिए? उद्दीपक है। उसी को देख के तो आप कार्य करोगे, तो फ्रेम जो है वो उद्दीपक का कार्य करता है इस पूरे के पूरे शिक्षण जगत में। दूसरा है अनुक्रिया यानी कि एक्शन, मतलब जो वो पद खुला है उस विषय वस्तु को, अधिगम को आपको क्या करना होगा? याद करना होगा, और याद करने के बाद प्रतिपुष्टि के लिए आपको प्रश्न भी देता है, वो फिर उस प्रश्न को भी हल करना होगा। ओके,
फिर तीसरे चरण में आपको मिलता है पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो आपका पद याद करने के बाद आपने उस क्वेश्चनों को जो आंसर दिए हैं उस आंसर के सही होने पर कंप्यूटर के द्वारा ही गुड, वेरी गुड या एक्सेलेंट दिया जाता है। तो वो गुड, वेरी गुड या एक्सेलेंट जो होता है वो बच्चे के लिए क्या कार्य करती है, पुनर्बलन का कार्य करती है यानी कि रीइंफोर्समेंट का कार्य करती है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये थे आपके अधिगम सक्रिय अनुबंधन के 3 पद, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं जो अधिगम का सक्रिय अनुबंधन का ये सिद्धांत था इसके पीछे लाभ क्या है, मतलब इसके पीछे जो थे वो आपकी कुछ सीमाएं भी थीं, कुछ लाभ भी थे, वो क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके लाभों के बारे में, फिर बात करेंगे इसके हानियों के बारे में। जैसे कि बच्चा अपनी गति व क्षमता से सीखता है, आपको भी पता है अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें छोटे छोटे पदों में सारी चीजें डाल रखी होती हैं, तो बच्चा जो होता है जिस प्रकार से सीखता है, मतलब जो उसके सामने जब पहला प्रेम खुलेगा उस पर कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, जब तक चाहे वो उस चीज को पढ़ सकता है, जब तक उसकी सीमा है, जब तक उसके पास टाइम है उसको वो याद कर सकता है, यहां पर कोई होड़ नहीं होती कि आपको जल्दी याद करना है। ओके, तो बच्चा अपनी गति से और जितनी उसकी क्षमता है उसी अनुसार उस चीज को वो सीखता है। दूसरा है बच्चों की स्वयं अधिगम करने की योग्यता विकसित होती है, मतलब वहां पर जो पूरा का पूरा अधिगम होता है वो कंप्यूटर से ही तो होता है, कोई समझाने वाला थोड़ी होता है, इसलिए इस अधिगम के द्वारा बच्चे में क्या उत्पन्न होती है, स्वयं अधिगम करने की योग्यता बच्चे के अंदर विकसित होती है, अपने आप पढ़ने की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है। ओके, नेक्स्ट है बच्चे स्वतंत्र महसूस करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टीचर का बाउंडेशन नहीं होता कि गलत करा तो पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, बाहर कर दिया जाएगा, इस प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं होती, किसी प्रकार का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, जो बच्चा जो होता है वो पूर्ण रूप से अपने आप को क्या महसूस करता है, स्वतंत्र महसूस करता है, उसे जब पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना वो पढ़ सकता है, और साथ ही साथ में बार बार अभ्यास कर सकता है, क्यों, क्योंकि फ्रेम है, फ्रेम के आप जब चाहो पहले वाले पर जा सकते हो, जब चाहो दूसरे पे आ सकते हो, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो अगले पे जाओगे, फिर दोबारा पहले पे आ सकते हो, तो बार बार यहां पर क्या है वो बच्चा अभ्यास कर सकता है उस चीज का। ओके, तो ये कुछ अभिक्रमित अनुदेशन के कुछ लाभ थे। अब लाभ हैं तो कुछ हानियां भी होंगी क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो चलिए हानियों के बारे में बात कर लेते हैं, हानियां क्या क्या हैं। तो इस अनुदेशन में शिक्षक बच्चों की किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है, जिससे दुविधा के कारण बच्चे का अधिगम जो है वो रुक सकता है। आप सभी को पता है छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए या किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें किसी ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, चाहे टीचर हो या किसी और रूप में हो, तो यहां पर जो होता है किसी भी प्रकार का कोई टीचर नहीं होता है, अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में उस बच्चे को किसी चीज को समझना और जो चीज उसको समझ में नहीं आ रही हो तो वहां पर कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो दुविधा के कारण वो बच्चा क्या करेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो उस चीज को छोड़ देगा और छोड़ते ही उसका अधिगम क्या होगा, रुक जाएगा। ओके, और साथ ही साथ में इसके द्वारा बच्चों का कोई भी समाजीकरण का विकास नहीं हो पाता है, कंप्यूटर से कैसे आप वार्तालाप करके सामाजिक विकास का विकास कर लोगे। ओके, आप सभी को पता है समाजीकरण का विकास करने के लिए इंटरप्ट होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में अभिक्रमित अनुदेशन होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक दूसरे के साथ बातचीत होनी चाहिए, कंप्यूटर से कैसे बातचीत कर लोगे आप, जब तक किसी चीज के साथ आप संबंध से बात नहीं करोगे, सही तरीके से वार्तालाप नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ अपने विचार को आदान प्रदान नहीं करोगे तो समाजीकरण का कैसे विकास हो जाएगा, इसलिए इसके द्वारा बच्चों के अंदर समाजीकरण का विकास नहीं होता है। ओके, तो ये थी इसकी कुछ हानियां। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक टीम टीचिंग यानी कि दल शिक्षण, कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं आपके यहाँ से। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन कि समूह शिक्षण है, तो समूह शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग क्या है। पहला, संसाधन, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। दूसरा, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का उपाय है।
तीसरा, स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, या चौथा, विद्यार्थियों के उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो समूह शिक्षण आपका वही कहलाता है जब आपकी एक कक्षा को एक ही समय पर दो या दो से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ाने के लिए करते हैं, जो कि अपने साथ अपने संसाधन, उनकी रुचियाँ, उनकी विशेषताओं का इष्टतम उपयोग होता है और जिसका सीधा सीधा लाभ जो होता है वो बच्चों को होता है, उसी को क्या कहा जाता है, समूह द्वारा शिक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ऑप्शन देखते ही आपको पढ़ लेना चाहिए था, समूहों द्वारा शिक्षण है तो उसी को ही कहा जाता है, शिक्षक के समूह द्वारा। तो शिक्षक दो या दो से अधिक जब आते हैं तो समूह ही कहलाएगा ना वो आपका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षण विधि दो या दो से अधिक शिक्षक संयोग पूर्वक विषय की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इससे के प्रभाव का मूल्यांकन अविरतित रूप से करते हैं, यह विधि है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक शिक्षक संयोग पूर्वक मतलब टीम टीचिंग की बात करी जा रही है, और टीम टीचिंग की बात यहाँ पर संयोग पूर्वक जब भी दो या दो से अधिक टीचर एक साथ पढ़ाने आते हैं उसी को ही तो क्या कहा जाता है, टीम टीचिंग कहा जाता है, मतलब टोली शिक्षण कहा जाता है, हिंदी में उसको टोली शिक्षण या फिर समूह शिक्षण या दल शिक्षण, ये सारे के सारे एक ही नाम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन की बात करी जा रही है, कक्षा में स्क्रीन पर त्रिभुज के बारे में एक कार्यक्रम चलाती है और कक्षा में पीछे की ओर एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठ जाती है। क्रमदेशित अधिगम पर आधारित इस प्रकार की कंप्यूटर सहायक अधिगम की सीमा हो सकती है। तो एक कंप्यूटर के द्वारा एक शिक्षिका ने त्रिभुज के बारे में एक पूरा का पूरा वीडियो चला दिया और पीछे जाकर आराम से वो बैठ गई। तो ऐसे करने के पीछे क्या हो सकता है, बच्चों में क्या कमी आ सकती है? पहला, शिक्षक शिक्षार्थी अंतर क्रिया की अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थी असमंजस में आ सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको हानि बताई थी अभिक्रमित अनुदेशन की, वही पूरा का पूरा पॉइंट ही लिख दिया आपका कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में अंतर क्रिया मतलब एक दूसरे के साथ इंस्ट्रक्शन ना होने पर, एक दूसरे से बात ना होने पर कि बच्चे को कुछ पूछना हो तो बात ही नहीं हो पा रही, उसके कारण क्या हो सकता है, असमंजस में पड़ सकता है, मतलब दुविधा में पड़ सकता है, और दुविधा में पड़ने के कारण उसका जो अधिगम होगा वो वहीं पर ही रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान तकनीक युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी की जाती है? तो इनमें से कौन सा वर्तमान तकनीकी युग में कौन सा आपका शिक्षण प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी की जाती है? पहला, योजनाबद्ध अनुदेशन, दूसरा दल शिक्षण, तीसरा कंप्यूटर सहायक शिक्षण, या इनमें से सभी? तो देखते लगा लीजिए, देखिए कंप्यूटर यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन तो करते ही हैं, साथ ही साथ में योजनाबद्ध अनुदेशन मतलब योजना बनाकर, जिसे आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हो इंग्लिश में, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन वो तो होता ही होता है, और कंप्यूटर सहायक शिक्षण जिसे आप कंप्यूटर असिस्टेंट टीचिंग यानी कि CAT भी कहते हो, वो भी मैंने आपको बताया था, और टीम टीचिंग तो होता ही है, दल शिक्षण तो आपका होता ही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये चारों के चारों आपके आजकल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह अध्यापन विधि का फायदा कौन सा नहीं है? तो दल शिक्षण के बारे में बात करी जा रही है, दल शिक्षण या समूह अध्यापन विधि वही उसी को ही कहा जाता है। ओके, तो टीम टीचिंग मेथड के बारे में कौन सा फायदा नहीं है वो पूछ रखा है आपसे सीधा सीधा। ओके, तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, यह अधिक विद्यार्थियों का उत्तम प्राध्यापक वर्ग को साझा करने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को यानी कि जो निम्न वर्ग के होंगे बच्चे उनको भी समझने में मदद करेगा, और जो उच्च वर्ग के होंगे उनको तो करेगा ही करेगा। ओके, दूसरा, इसमें अध्यापक तकनीक और युक्तियों का अधिकतम उपयोग सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापक होते हैं वो अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं और अपने साथ अच्छी सामग्री लेके आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, उपयोगी सम्मिलित होता है। तीसरा, यह अध्यापन गुणवत्ता में सुधार लाती है, यह तो लाएगी ही लाएगी, जब एक से अधिक टीचर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बचा, और वही आपका सही आंसर है कि यह विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। जब दो या दो से अधिक टीचर आपको पढ़ाने आएंगे तो बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई प्रभाव ला देंगे वो? नहीं, ये थोड़ी है कि बच्चा जो है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए टीचर पढ़ाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं,
है, यहाँ पर कोई भी सोशल इकोनॉमिकल की बात नहीं की जा रही है। शिक्षा जगत को अच्छा करना है, ना कि आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करनी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत था और वही हमें चुनना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का नवचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है। तो वो तो अभी मैंने आपको बताया था, अभिक्रमित अनुदेशन, ये आपकी वो अनुदेशन है जिसे आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हो। इसमें बच्चा जो होता है वो अपनी गति के अनुसार सीखता है, जितना वो सीख सकता है, जितनी उसकी क्षमता होती है उसी अनुसार वो सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAI की सही अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रखी है। मैंने आपको बोला था कई बार पूछ ले जाता आपसे फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे कदम के सिद्धांत का मतलब है। तो छोटे कदम के सिद्धांत का क्या मतलब होता है आपका? जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है उसमें क्या कर रखा था, छोटे छोटे पैराग्राफ को आपके कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं, तो उन्हीं छोटे छोटे पदों को छोटे छोटे कदम बोला गया है यहाँ पर। ओके, तो वो क्या होता है, सीढ़ी बनाइए, कदमों का विभाजन, पाठ्य पुस्तक के हिस्सों में तोड़ना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था कि जो आपका पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु थी उसको छोटे छोटे पदों में तोड़कर कंप्यूटर में डालना ही आपका क्या कहलाता है, छोटे कदम कहलाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह शिक्षण की मूल अवधारणा है। तो समूह शिक्षण के पीछे जो मूल अवधारणा है वो क्या है, वो आपको बतानी है। ओके, पहला, अकेले कार्य करने से अध्यापक बोरियत महसूस करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अध्यापक अकेला काम करेगा, तो बोरियत को दूर करने के लिए समूह शिक्षण को लाया गया है। ओके, दूसरा है, अध्यापक सक्षम नहीं है, मतलब एक अध्यापक जो जाता है वो अकेला सक्षम नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये भी बिल्कुल गलत बात है कि टीचर जो है वो सक्षम ही नहीं है अकेला, ऐसी कोई बात थोड़ी है, वो तो और अच्छी चीज को करने के लिए लाया गया था, टीम टीचिंग। ओके, तीसरा बोला गया है कि विद्यालय के सिस्टम अध्यापक अधिक से अधिक छात्रों के संपर्क में आ पाते हैं। बिल्कुल ये है आपका सही, आपका ऑप्शन, यही आपकी मूल अवधारणा है कि विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक जो होते हैं वो अधिक से अधिक छात्रों के संपर्क में आ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, एक जो अध्यापक है वो केवल 9वीं क्लास को पढ़ाता था, लेकिन अब टीम टीचिंग के आने के अलावा वो 8वीं 7वीं किसी भी क्लास में जा सकता है। तो अध्यापक क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा छात्रों के कनेक्ट में आएगा, ज्यादा से ज्यादा छात्रों के बीच में आएगा वो। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि वही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करी जा रही है, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसे कहा जाता है CAI, तो वो किस पर आधारित है, शास्त्रीय अनुबंधन पर, सक्रिय अनुबंधन पर, पावलियन अनुबंधन पर, या अनुबंधित प्रवर्तित क्रियाएं पर। तो मैंने आपको बोला था स्किनर का जो आपका सक्रिय अनुबंधन, जिसे आप ऑपरेंट कंडीशनर भी बोलते हो, उसके आधार पर यह पूरा का पूरा प्रयोग था, बोला था मैंने आपको, बताया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह शिक्षण में निम्न गुण विकसित करने की क्षमता है। तो आपके समूह शिक्षण में कौन से गुण आपके विकसित करने की क्षमता है, पहला, प्रतिस्पर्धा भावना, दूसरा, सहकारिता, तीसरा, एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को परिपूरक बनाने की प्रवृत्ति का विकास, या चौथा, एक दूसरे के शिक्षण की कमियों का उजागर करना। तो ये ऑप्शन तो हटाई दो, 4th की, एक दूसरे की कमियों को कभी भी उजागर नहीं करी जाती है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टीचिंग करने के ऊपर बात करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को परिपूरक बनाने के लिए प्रवृत्तियों का विकास, मतलब जब आपके अच्छे से अच्छी चीज, थोड़ी सी आपने गलत भी बता दी तो कोई बात नहीं, दूसरा टीचर जो है उसको दुरुस्त करेगा और आपको सही से सही, आपको अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, उससे वो टीचर भी सीखेगा और बच्चे भी सीखेंगे, और वो टीचर को अपनी गलती का महसूस होगा, उन्हें पता होगा, कई बार बाय मिस्टेक हो भी जाती है, तो वो टीचर भी कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। तो यहां पर एक दूसरे की गलती पर फोकस नहीं करना होता है, बस बच्चे को अच्छी से अच्छी नॉलेज देनी होती है, कुछ बच्चों को भी सिखाना होता है और कुछ एक दूसरे से भी सीखना होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो ये थे आज के आपके पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और पिछली प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, पहला देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप बाकी वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
तो ये थी आज के हमारे पूरे पूरी स्किनर थ्योरी।